तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और गाइस, आज मैं आया हूँ अभी फिलहाल नीचे, मेरे लेबर वाले बंदे लगे हैं बगीचे में, उनको खाना लेके उनसे गाइस थोड़ा काम करवा रहे हैं। फिर मुझे कंतवाड़ी भी जाना है अभी, चेरी की कुछ कलमे भी काटनी है और कुछ बंदे को भी देनी है, और सेब की भी है गाइस। बंदे का ऑर्डर आया हुआ है, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा आज, वो देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद एक ऑर्डर और है, फिर कुछ नहीं बचा गाइस, फिर सब कुछ क्लोज हो गया है। मैं जा रहा हूँ अब एकांतवाड़ी, ये देख सकते हैं थोड़ी बहुत कलमों की डिलीवरी है, वो कर लेता हूँ। और ये देखिए कुत्ता चुभी पूछता है। और गाइस ऊपर देख सकते हैं आप, हाटू पीक पे स्नोफॉल हो रहा है, मे बी एकांतवाड़ी पे भी स्नोफॉल हो रहा होगा। पेप्सू है, हमारा पेप्सू है गाइस, चो पेप्सू। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी अपने दूसरे तीसरे चौथे खेत को चला हूँ। तीन खेत तो गाइस घर से नीचे ही, तीन चार खेत, चौथे बगीचा है गाइस। यहाँ थक भी गया हूँ अभी गाइस। वो जो नीचे आपको रोड दिख रहा है वो वाला, वो वहाँ पर उस रेंज में, इस रेंज के नीचे वाली साइड से हम ऊपर। और कुछ व्यू इस तरह का है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है गाइस। वहाँ पर तो भी स्नोफॉल हो रहा था, वो जो गाइस सामने दिख रही है वो हाट पीक है। और ये हमारी कॉम्बड़ी, जय माता दी गाइस। यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर टॉप पे माता रानी का वास है, रानी का घर है। और तो गाइस बाकी क्या दिखा सकता हूँ मैं, यही है गाइस। बाकी डेली व्लॉग्स चले हैं, सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए गाइस जितना हो सकता है। अभी तो 750 पर ही फंस गया हूँ गाइस, पिछले कोई कितनी तारीख को देखा था मैंने गाइस कुछ ऐसे देखा था 10-15 फरवरी को। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये हमने तौलिए साफ करवाए हुए स्पेशल तने तौलिए। तो गाइस वैसे भी आपको पता ही है कितने लायक होते, पर गाइस सबसे मेहनत तना पूरा खोल रखा है लगभग। और ये वहाँ पे आप देख पा रहे होगे वो तना साफ है, इधर खाद मिक्स कर रखी है गाइस। और ये हमारे पॉलिनेटर कुछ इस तरह के दिख रहे हैं अभी। और गाइस मैं आया अभी पॉलिनेटर की कलम लेने ही हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ ये मंचूरियन है गाइस, मंचूरियन, इसको एक भाई का कॉल आया था, उन भाई ने मांगी थी कल में मंचूरियन की। और गाइस सबसे अच्छा पॉलिनेटर है ये समर क्वीन, और समर क्वीन एंड मंचूरियन बहुत अच्छा पॉलिनाइजर है गाइस। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ लगा है। इसमें गाइस अगर प्रॉपरली फूल भी नहीं आता है, मतलब 2-3 फूल 4 फूल मतलब, पर इसमें अगर गाइस में ये, वैसे तो गाइस मंचूरियन बहुत लगता है हर कुछ, क्योंकि ये तो वेस्टेज है, चेरी के जितना साइज होता है इसका इतना। समर क्वीन ऐसा है गाइस, स्टार्टिंग में जून में, जून एंड जुलाई में, जून लास्ट जुलाई स्टार्टिंग में बिक जाता है गाइस समर क्वीन। पर जो ये है गाइस मंचूरियन, ये कुछ नहीं बिकता, ये सिर्फ गाइस पॉलिनेशन करता है, इतना दबके पॉलिनेटर है, इतना अच्छा पॉलिनेटर है गाइस। मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, जो सिर्फ ये देखिए, ये यहाँ पर ये पूरी कलम है गाइस मंचूरियन की, इसका मैं आपको भी दिखाता हूँ सिस्टम। आप ऐसा बोलेंगे कि इतने अच्छा पॉलिनाइजर है। ये देखिए गाइस, 1 2
तीन चार चार, ये वाला टेन अभी टूटा है, चार टेन है गाइस जिसने तोड़ रखे है। वैसे तो तोड़े तो बहुत है, बट जो मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ से, पांच काट कूट के पीछे कर रखे, छः सात, और अगर गाइस ऊपर जाऊँगा तो इसका बहुत कुछ टूटा हुआ है। सात टेन है गाइस, एक पेड़ के टूट रखे है, ठीक है। इसके देख लीजिए गाइस सेंटर कितने तोड़ दिए इस पेड़ ने, एक दो तीन चार पाँच, पांच गाइस इसमें टूट रखे है एक ही कलम से गाइस इसमें, ये ही, ये देखिए गाइस पीछे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये गाइस इतनी अच्छा पोलनाइजर है कि इसने इस एरिया के, इसकी सराउंडिंग के जितने भी प्लांट्स है ये वाले, ये सारे तोड़ तोड़ के सीधे कर रखे है गाइस इस ही इकलौती कलम ने, क्या कर सकते हैं गाइस। पर बहुत अच्छा पॉलिनेटर, और समर क्वीन भी गाइस ऐसा ही है, सेम एज इट इज़ इसकी तरह बिकता है वो जून और जुलाई में, बस उससे ज़्यादा तो नहीं बिकता है गाइस। पर समर क्वीन का एक ये है कि वो भी फसल लगाता है, पर गाइस वो ऐसा है, समर क्वीन का फूल बहुत लंबा चलता है, इसका फूल थोड़ा अर्ली, इसका फूल की लाइफ ज़्यादा नहीं है, समर क्वीन के फूल की लाइफ बहुत अच्छी है ग्रैनी स्मिथ की तरह, जैसा हमारा ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर है। ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर्स की भी गाइस बहुत अच्छी वो है, क्या कहते हैं उसको, लाइफ है फ्लावर की, जो मैं फूल फूल की बात कर रहा हूँ। खैर ग्रैनी स्मिथ तो सेब भी अच्छा है, आने वाले टाइम पे मार्केट में बिकेगा भी। तो गाइस पहले मैं इससे साइन बोर्ड काट लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे प्लांट्स है, ये देखिए इसमें बिल्कुल हाई डेंसिटी वाली ट्रेनिंग प्रूनिंग हो रखी है। ये थोड़े यार गाइस रॉयल का प्लांट है, ये वाला एक फैदर पूरा बेंट था हुआ वो, तो इसमें इतना अच्छा बट बनाया। और गाइस ये पेड़ है अभी, एक दो तीन 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 चार पाँच छ सात, सात साल का पेड़ है गाइस सिटलिंग पे, ये देख सकते हैं आप, आठवीं साल में आ रहा है गाइस जी साल, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप कितनी है। और ये देखिए गाइस, ये पीछे को पूरा मेरा खेत है, यहाँ से लेके गाइस ऊपर तक। और मैं गाइस आपको कह रहा था माता का मंदिर है, वो देख सकते हैं आप वहाँ पर पेड़ की बगल में, ये माता रानी का टेंपल है। और गाइस मैं आज आपको स्टोर का, अपने जो यहाँ पर हमारा लोकल स्टोर है लगा हुआ, उसका भी आपको व्यू दिखाऊंगा कैसा है। और गाइस ये देखिए हमारे नाशपाती, कारमेन है गाइस। और ये गाइस मैंने प्रॉपर हाथ में नापी है, हाथ से लंबा है गाइस, लगभग आप ही मान के चलो 6 से 8 इंच की आ रही है गाइस, 6 से 8 इंच की कार में नाशपाती का सैंपल गाइस मेरे पास पिछली 3-4 साल पहले आ गया है। मतलब अगर तो गाइस, वैसे इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम आ रही है हमारी एलिवेशन पर, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है गाइस, पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से आ रहा होगा उसमें इतना साइज, तो वो मैं कह नहीं सकता। साइज और लॉन्गेशन बहुत लंबी नाशपाती है गाइस, बहुत लंबी, मतलब इनफ है गाइस, लगभग 6 से 8 इंच। अगर इसको प्रॉपरली पूरा तैयार होने देते हैं गाइस, तब इसमें इतना ग्रोथ है, ये इतना साइज है, सॉरी। ओ ग्रोथ वाइज भी गाइस ठीक ही है लगभग, ग्रोथ वाइज तो गाइस इसका सब क्या कहते कारमेन का ये ज़्यादा गाइस बिल्कुल सीधी इस तरह से ऊपर ही भागती है, और इसमें ज़्यादा वी एंगल है, इसमें वी एंगल का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है गाइस कारमेन में, बाकी तो गाइस बढ़िया है। मैं तो गाइस अब इसको कारमेन को काट रहा हूँ, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पियर ही लगाऊंगा लगभग जितना हो पाएगा मुझसे। और गाइस ये सामने का व्यू कुछ ऐसा, तो गाइस मैं कह रहा था वो वाला फोन देखिए, ये फोन स्विच ऑफ हो गया है, मैं इसी की बात कर रहा था। ये गाइस मुश्किल से भी देख लीजिए, देख लेना आप, आज का व्लॉग भी बिल्कुल छोटा सा है, और इसकी बैटरी भी गाइस ज़्यादा नहीं चलती है, 10 से 15
मिनट अगर तो जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा था, दो बार तो अपने आप स्विच ऑफ हो गया, एक बार 35% बैटरी पे स्विच ऑफ हुआ। मैं जब जंगल से नीचे उतरा था मैं व्लॉग बना ही रहा था, बस फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मैंने जेब में डाल दिया था और अभी खोल के देखा था तो ये अपने आप ही ऑन हो गया था, इसीलिए मैं उसमें व्लॉग बना रहा था गाइस। लेकिन वो चीज़ ये व्लॉग नहीं बना पा रहा है वैसा जैसा मेरे को चाहिए, तो मेरे को लग रहा है कि इसको ठीक करना पड़ेगा। बाकी गाइस आ गए हम नीचे घर की ओर, तो मिलते हैं अब आपसे गाइस कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। कल शायद गाइस मैंने ऊपर ही आना है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम भी है यहाँ खेत में, थोड़ा गोबर आना है गाइस, तो गोबर उतारना होगा, फिर कल देखता हूँ। अभी तो मैं कुछ श्योर नहीं हूँ कि कल ही आएगा, परसों आएगा, कब आएगा, क्या होएगा। 50-60 कट्टे आने हैं, तो फिर देखते हैं गाइस क्या होता है, कैसे होता है। मिलते हैं आपसे गाइस फिर कल, आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए गाइस। 750 पे ही अटका हूँ पिछले 20-25 दिन से, 750 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए थे, ये भी चार सब्सक्राइबर भी गाइस गांव में, 1-2-3-4 बंदों ने, एक ही बंदे की फैमिली में उसके अपनी मम्मी वगैरह के फ़ोन से, सबके फ़ोन से उसने सब्सक्राइब कराया चैनल। 4 सब्सक्राइबर तो गाइस मेरे ऐसे ही बने हैं। बाकी मिलते हैं गाइस फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।